नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना और मैंने अभी काफी वीडियोस बनाए थे एक ड्रिंक के बारे में जो हमारी बिल्कुल देसी ड्रिंक है और बहुत ही गजब की ये ड्रिंक है और इसमें बहुत सारी हमको चीजें डालनी पड़ती हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज है, शुगर है, मतलब कुछ भी आप एक हेल्थ प्रॉपर मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसको आप अगर डेली अपना रूटीन में आप डालेंगे, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे आपका हाई कोलेस्ट्रॉल हो, बीपी हो, मतलब कुछ भी चीजें हैं आपकी, सर से लेके पैर तक कोई भी आपकी डिजीज है वो आपके नजदीक तक नहीं भटकेंगी। और जिन लोगों को इम्यूनिटी, जिनकी बहुत ज्यादा वीक है, उनकी इम्यूनिटी इससे बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और खासकर जैसे कि जो कोरोना वगैरह है, आजकल जो नॉर्मल फ्लू वगैरह चलते हैं, इन सब बीमारियों में सबसे ज्यादा जो अहम रोल आपका होता है वो होता है हमारी इम्यूनिटी का। तो इस ड्रिंक के जरिए अगर आप रेगुलर इसको मेंटेन करेंगे, और मैंने इसको पिछले 1.5-2 महीने से मैं रेगुलर ले रहा हूं और बहुत अच्छे मैंने इसके जो रिजल्ट देखे गए हैं, और मैं खुद अपने परिवार को, डॉक्टर पूजा, मेरे बच्चे, सभी मेरे परिवार में जो इसको लेते हैं, चाहे स्किन लाइटनिंग हो, ग्लो हो, हर चीज पे, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के से भी अच्छे इसके जो है रिजल्ट हैं। और मैंने बहुत सारी इसमें वीडियो भी बनाई है, बट आप लोग बोल रहे थे कि एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाइए, तो आइए मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको बताऊंगा किस तरह से करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो आपको पहला स्टेप रहेगा, इसमें जो गुलाब की पंखुड़ी डलती है और साथ में जो केसर डलता है, मैं आपको दिखाता हूं, तो उनको मैंने पहले बॉईल, थोड़ा सा हल्का सा गर्म दूध करके उसमें गुलाब की पत्तियां और केसर इसमें मैंने जो है भिगो के इसको थोड़ी देर के रख दिया है। मैंने जो नॉर्मल बेबी सैफ्रॉन वाली, जो कोई भी आप सैफ्रॉन ले सकते हैं, ये पैकेट आता है और अच्छा ही है, तो इसमें से एक चुटकी मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग मैंने इसमें इतना केसर जो है मैंने इसमें ऐड किया है, इतना जो है मैं ऐड कर चुका हूँ अभी, इसलिए मैं दोबारा इसमें जो है ऐड नहीं करूँगा। और इसके अलावा क्या क्या करना है हमें, इसके अलावा हमारे पास है आपका जो है बादाम है, हमारे पास ये लगभग आपका 30-40 मामरा बादाम है, और आपको 30-40 आपका जो है मामरा बादाम, और मैं लगभग अपने 4 लोगों के लिए मैं बनाता हूँ, तो मैं लगभग 40-50 बादाम जो है ले लेता हूँ। इसके बाद इसमें मैं डालूंगा सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर। अब इसको कितना डालना है, ये सबसे अच्छी होती है आपकी आइज के लिए, या फिर आपका जो है बहुत अच्छे से, मतलब ये आपका बहुत सारे, इसके सभी जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं डिटेल में भी बताता रहूंगा। क्वांटिटी मैं आपको जब साथ के साथ इनको डालता रहूंगा, जैसे जैसे ऐड करूंगा उस तरह से मैं बता दूंगा, तो मैं इसमें पूरा एक बार बता देता हूँ इसमें क्या क्या डलेगा। इसमें डलेगा सफ़ेद मिर्च, उसके बाद डलेंगे इसमें मगज, जो आपका खरबूजे तरबूजे के जो छिले हुए बीज होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है ये खरबूजे के बीज हैं जो मैंने अभी मगज लिया हुआ है। इसके बाद इसमें है सफ़ेद इलायची, और बहुत अच्छी इलायची के बहुत सारे गुणकारी, बहुत एक तरह से है इलायची, तो सफ़ेद इलायची इसमें डलेंगी। इसके बाद इसमें डलेगी आपकी जो है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर इसमें डलेगा। काली मिर्च के अलावा इसमें बहुत अच्छा, जो लोग जानते हैं, ये है आपका जो है चिलगोजे, है ना, चिलगोजे इसमें जो है मैं डालूंगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत सारे इसके जो है बेनिफिट्स हैं चिलगोजे के। और चिलगोजे के अलावा इसमें डलेगा फिर आपका नेक्स्ट जो है हमारा वो है पिस्ते, इसमें जो है ये छिला हुआ पिस्ता है, नॉर्मली जैसे रोस्टेड है, बस छिला हुआ है, सॉल्टेड नहीं है, प्लेन पिस्ता जो है। और उसमें है फिर आपका खसखस, खसखस डलेगी। खसखस के बाद इसमें जो है आपका फ्लेवर के लिए और पेट को अच्छा रखने के लिए इसमें डलेगा सौंफ, बहुत अच्छा देता है, मैंने जो है कश्मीरी सौंफ है, मीठा सौंफ जो होता है, और बहुत अच्छा इसका जो है एक फ्लेवर उभर के आता है ड्रिंक में। और ये जो मैंने आपको जिससे पहले बताई दिया था, इसमें है आपका रोज पेटल्स यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ और साथ में केसर, ठीक है, ये इनको मैंने जिससे अच्छे से पिस जाए पहले दूध में रख दिया था, और बाकी ऐड करने के लिए दूध जो साथ साथ में मैं इसमें ऐड करता रहूंगा दूध के साथ। और बहुत ही फेमस ये ड्रिंक है, जितने भी जो लोग अखाड़े में रहते हैं, जो पहलवानी जो करते हैं, उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत डिटेल में पता होगा। और मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मैं पहले भी बना सकता था बट मैंने पहले इसके रिजल्ट्स अपने ऊपर देखे, तो आइए बिल्कुल मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। सबसे पहले जो मैंने बादाम थे, है ना, डॉक्टर पूजा मेरी हेल्प कर रही है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो डॉक्टर पूजा थोड़ा सा प्लीज एक बार आगे आके एक बार दिखा दो थोड़ा सा जो है, तो मैं पहले इन बादामों को जो है नॉर्मली ऐसे ही कूट लूंगा, क्योंकि इनको थोड़ा सा एक बार जो है हमारे ये ऐसे ही पिस जाएंगे। और ये लगभग टोटल आपका जो प्रोसीजर रहेगा वो सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें आपका टाइम, और मुझे भी पहले बहुत दिक्कत होती थी टाइम को लेके, तो मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता था,
और थोड़ा सा अभी, लेकिन आपको अगर अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है तो आपको ये प्रॉपर अपना मतलब मेंटेन तो करना पड़ेगा, अपने लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। और मैं अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए सोचता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है और नेचुरल है बिल्कुल, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा टाइम इसके लिए जो है देता हूँ सुबह। आजकल चाहे थोड़ा सा जल्दी ही उठना पड़े, और अपने आप में ये एक्सरसाइज भी है, क्योंकि देखो जो आप पोजीशन है पूरी की पूरी लगभग 1 से 1.5 घंटे मेरी यही रहेगी बैठने की, और जो मोशन रहेगा वो मेरे शोल्डर जो है, मेरे थोड़े से वीक थे पहले, मुझे वो भी चेंजेस थोड़ा लग रहा है, शोल्डर भी बहुत अच्छे से जो है स्ट्रांग धीरे धीरे करके हो रहे हैं, और मतलब बिल्कुल नेचुरल एक डाइट है। और जो लोग प्रॉपर जिम वगैरह करते हैं, है ना, आप ये देखिएगा, क्योंकि मेरी भी पहले मेंटेलिटी होती थी, जब भी मैं पहले एक्सरसाइज वगैरह करता था तो मुझे लगता था कि यार प्रोटीन वगैरह जो है लेने चाहिए, और बहुत सारे बहाने भी होते हैं जब, हालांकि डॉक्टर पूजा ने कभी मुझे नहीं बोला, जब भी एक्सरसाइज करता तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट ही होते थे कि भाई प्रोटीन वगैरह मत लो, ये अच्छा नहीं है, और बट मैंने कभी नहीं मानी, मैं एग्री करता हूँ इस बात को, मैंने हमेशा इस चीज़ को बोला कि नहीं, प्रोटीन अच्छे होते हैं, बिगर प्रोटीन के जो है नहीं हो सकता। बट बिलीव मी कि अगर आप ये डाइट लेंगे और सिर्फ 10 दिन आप ये लेके देखिएगा, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी में, अपने मतलब हेल्थ में इंटरनली अगर आपको एनर्जी ना फील हो, तो फिर मुझे कॉल करके कहना कि नहीं आप गलत बता रहे थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि भाई लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, या फिर उनके बैड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए, और मैं चाह रहा हूँ मैं इसको प्रोसेस को आपको पूरा ही दिखाऊं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं इसको जो है पॉज करके, मतलब ऐसा जो है आपको प्रोसीजर अभी, क्योंकि अभी तो ये वाला प्रोसीजर है जिसमें हमें सारी की सारी चीज़ें ऐड करनी है, सभी चीज़ें जो हैं, अभी आप देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा सा ये जो है आपके पूरे के पूरे जो है पिस गए हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बीच में स्पेस इसमें जो है मैंने ये प्रॉपर बना लिया है कि जिससे और इन्ग्रीडियंट अभी मैं इसमें ऐड कर सकूँ, चाहे तो आप, क्योंकि मुझे इसको छानना भी है बाद में ना, इसीलिए मैं इसको जो है अभी इस तरह से बना रहा हूँ कि जो ये आपका बादाम, मैंने इसमें पूरा का पूरा ही बादाम ऐसे ही डाल दिया, मतलब बादाम को छीला नहीं है, आप चाहें तो बादाम को छील भी सकते हैं। अभी अभी देखो मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ अभी सफ़ेद मिर्च। सबसे पहले मैं सफ़ेद मिर्च क्यों लेता हूँ, क्योंकि इनको पीसने में फिर जो है आसानी होगी, है ना, तो सफ़ेद मिर्च मैं लूँगा। और आप देखिएगा क्वांटिटी जो है, मैं लगभग ये है आपकी कम से कम भी मेरे हिसाब से 20 के करीब जो है सफ़ेद मिर्च आपकी होंगी, ये 20-25 सफ़ेद मिर्च थोड़ी सी हैं क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा लगेंगी। मैंने इसमें जो है 20 मिर्च डाल दी हैं, और साथ में मैं इसमें डालूंगा आपका जो है काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च मैं इसमें जितना है, हम 3-4 लोगों के लिए है, तो मैं इसमें जो है आपका 6 काली मिर्च जो है, 6 से 7 काली मिर्च मैंने इसमें जो है डाले हैं। मैं इनको साथ के साथ अलग भी रखता रहूँगा, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, मैं इनको जो है अलग रख देता हूँ। अभी दोनों को डाल के मैं इसको जो है थोड़ा सा आपको हल्के हल्के से पीस लेता हूँ। डॉक्टर साहब आप एक बार दिखाओ आके आगे थोड़ा सा, डॉक्टर साहब के हैंड्स दुखने लगेंगे, ठीक है। ऐसे करके मैंने इनको जो है सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च को धीरे धीरे से इनको जो है फोड़ लिया है, ठीक है। अभी इसमें मैं ऐड करूंगा आपका जो है साथ मैंने इसमें डाली है इलायची, ठीक है। तो इलायची को भी मैं ऐसे ही डाल के एक बार इनको जो है फोड़ लेता हूं। और बहुत इजीली, क्योंकि इसकी बनावट उस तरह से है, और ये भी बहुत अच्छे से जो है वो करता है कि एकदम ऐसे बिल्कुल बहुत इजीली पिस जाते हैं सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है, अभी देखिएगा ये हमारा जो है हो गया है, क्योंकि पहले मैं एक बार चीज़ों को पीसने से पहले एक बार हर सारी चीज़ों को मिक्स में कर लेता हूँ। अभी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ चिलगोजे, मैं लगभग 10 से 12 इसमें जो है चिलगोजे ऐड करूंगा। मैं अभी आपके सामने काउंट कर रहा हूं, बट मैं अंदाजे से इनको जो है डाल देता हूं, ठीक है, कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी ना हो। और इसके लिए मैं बता भी दूं, हमको एक्सरसाइज वगैरह करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने इसमें डाले हैं चिलगोजे, इनको भी ये भी बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे से एकदम जो है आप देखेंगे ये
इसमें जो है मिक्स हो गए हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा आपके भी ठीक है 10-12 मैंने इसमें डाले हैं पिस्ते, इनको भी मैं अब फोड़ लेता हूँ। देखो मेहनत इसमें लगेगी, ये श्योर है कि इसमें मेहनत भी लगेगी, और सच्चाई ये है कि आप मतलब आपका जो है मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती होगी, बट मैं समझता हूँ कि अगर हम प्रॉपर जिम भी करते हैं, जो लोग जिम करते हैं उनका मिनिमम से मिनिमम अगर आप अच्छा प्रोटीन लेंगे तो वो 10,000 रुपये 12,000 रुपये अगर सिर्फ प्रोटीन लेंगे तो वो खर्च ही होता है, और इतने में ही आपकी जो है ये ड्रिंक भी जो है बन जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है भाई, मैं ये भी आपके स्ट्रिक्टली नहीं कहता कि भाई आप इनको सारी चीज़ें ही फॉलो करो, आप जो जो हैं मतलब जैसे बादाम भी ले सकते हैं, आप अगर आप बादाम भी सिर्फ करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसीजर से बादाम भी कर सकते हैं, बट मेन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो इसको खास बनाती है वो है इसको बनाने की टेक्निक। ये चाहे तो आप चीज़ें इनको ऐसे भी खा सकते हैं, बट अगर 30 से 40 बादाम और इतना सारा मटेरियल आप ऐसे ही खाएंगे ना तो आपको एक्ने, पिंपल्स, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसको पचाना इतना आसान नहीं है। बट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये टेक्निक, जिससे मैं आपको इसको बनाना बताऊँगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं इतने सारे बादाम, इतनी सारी चीज़ें आप खाओगे तो ये तो वैसे ही नुकसान करेंगे। अगर इनको आप वैसे ही नॉर्मली अगर इनको हम खाएंगे तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो टेक्निक प्रॉपर होती है इसको बोलते हैं पोटेंटाइजेशन, ठीक है। नॉर्मली जो हमको तो सिखाया भी जो नॉर्मली गांव में है अपना प्रॉपर ऐसे ही रगड़ के पहलवान वगैरह जो है लेते हैं, बट इस प्रॉपर जो टेक्निक है इसको पोटेंटाइजेशन बोलते हैं, और जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो इसी प्रोसीजर से बनती हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो उसका सत्व एक तरह से कह सकते हैं या फिर उसकी एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी उभर के आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उतने ही आलमंड्स जो है यानी कि जो बादाम है उनको आप लेंगे, वो आपको उतनी एनर्जी, उतना इंटरनली मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज जो है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है, वो उसकी उभर के नहीं आएंगी जितना आप इस मेथड से लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें भी ऐड करने जा रहा हूँ मगज, मैं लगभग आपका जो है आधी मुट्ठी या एक मुट्ठी मगज इसमें जो है ऐड करूँगा, बीज जो है ये, और साथ में इसमें जो है मैं ऐड करूँगा अभी खसखस, ठीक है। खसखस भी मैं इसमें जो है लगभग आधी से एक मुट्ठी जो है पॉपी सीड, हम इनको खसखस को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं अपने आप में और बहुत अच्छी है ये, ठीक है। और अभी इसमें मैं साथ में आपका जो है लास्ट जो हमारा बच गया था सौंफ, सौंफ भी मैं इसमें जो है लगभग आपका आधी मुट्ठी के करीब जो है, देखिएगा आप क्वान्टिटी आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है मैंने ऐड कर दिया है। अभी सारे इंग्रेडिएंट हमारे इसमें जो है ऐड हो चुके हैं, बस हमारा जो बचा है वो बचे हैं आपके अभी केसर, उसको मैं इसके बाद, अब एक बार ये हो जाएगा हमारा, अब हमारा लास्ट जो लेवल है थोड़ा सा इसको कूटने के बाद मैं जो प्रॉपर इसका बनाने का जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हमारे जितने भी सारे इसमें जो जो चीज़ें डलनी थी वो सारी डल चुकी हैं, और बहुत ही अच्छा ये वाली जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है, है ना। देख के आपको जब इसको आप एक बार डॉक्टर साहब आप एक बार थोड़ा सा नज़दीक से आकर दिखाओ इसको जो है ना, हाँ ये देखिएगा आप इसमें जो है देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़बरदस्त इसका जो है एक लुक आता है ना, कितनी अच्छी ये लगती है। डाइट भी वैसे आप सोच सकते हो कि इतने सारे ड्राई फ्रूट्स इतने सारे आपको कितनी एनर्जी और कितनी ताकत देंगे। अब ये हमारा बन चुका है, इसके बाद हमें जो है इसका, अब इसके बाद हमें इसका एक्चुअल जितना भी जो प्रोसीजर है, जो रगड़ने वाला प्रोसीजर है, इसको जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे अच्छा मेथड इसके लिए क्या है जो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि आप एकदम नहीं कर पाएंगे, कम से कम एक घंटे इसको जो है हमें रगड़ना है, तो अपना हाई हैंड जो है मतलब जो उल्टा हाथ है मैं ऊपर रखता हूँ प्रेशर देने के लिए, और राइट वाले हैंड से जो है इसको इस तरह से कर दूंगा। अपने आप में अच्छी एक्सरसाइज भी है डेली सुबह सुबह जो है आपकी, अगर 1-1.5 घंटे नियमित रूप से ये हमारी एक्सरसाइज भी हो जाए। अब आप देखेंगे अभी जो हमारा ये है इसको थोड़ा सा पीसने के लिए अब स्टार्ट करूंगा, मैं मिक्स करूंगा अपना जो केसर और हमारा ये था, इसमें मैं थोड़ा सा मैंने मिल्क जो है इसका जो है वो ऐड कर दिया है, ताकि अब ये इजीली हमारा जो है बन सके। अब मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता भी रहूंगा कि किस तरह से जो है ये हमारा
दिखने में भी धीरे धीरे करके बहुत जल्दी सब ये चेंज होता लग रहेगा। ठीक है, अभी आओ डॉक्टर साहब एक बार। अभी इसमें जो हमारा सौंफ और सॉरी जो हमारा इसमें केसर और गुलाब की पंखुड़ी हैं उनको मैं इसमें जो है अभी मिक्स कर रहा हूँ, लास्ट जो हमारे बचे हुए थे। बच्चे मेरे परेशान हैं, उनको भी वीडियो बनानी है, बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी आदत है अगर अभी से ही उनको ये आदत लग जाए अच्छा खाने की, और एक बहुत अच्छी आदत है। आरू करना है? हाँ। ठीक है, अभी रुक जाओ एक बार, मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा जब, ठीक है, बुला लूंगा मैं आपको। और वीडियो में आप नहीं देख पाएंगे, बट जब ये प्रोसीजर होता है तो सब पूरा घर में, मतलब अगर मैं एक कोने में बना रहा हूँ, आप दूसरे कोने में इसकी जो है स्मेल जो है वो आप देख सकते हैं, इतनी अच्छी इसकी जो है आती है स्मेल जो है, बहुत अच्छी और बिल्कुल नेचुरल, एकदम 100% जो है नेचुरली ये ड्रिंक हमारी है। डॉक्टर एक बार दिखाओ आके नजदीक से थोड़ा सा। अभी हमको इसको पीसते पीसते इतना बारीक हमें बनाना है कि ये कपड़े से छन जाए। अब इसमें थोड़ा सा हम दूध हम इसमें जो है ऐड करते रहेंगे अभी। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप 5 मिनट से ज़्यादा इसको जो है रगड़ नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपको आदत इसकी जो है वो हो जाएगी। दोस्तों इसकी कंसिस्टेंसी जो है अभी आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा अभी ये थिक है इसी कंडीशन में, इसमें ज़्यादा दूध अभी ऐड नहीं करना है, तो कम से कम भी 10 मिनट तक आपको इसी इतने ही, जब ये थिक हो उसी में ही आपको इसको जो है पीसना है, क्योंकि इसमें होगा क्या कि ये बहुत अच्छे से पीस जाएगा। अगर इसको हम स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पतला कर देते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो बहुत अच्छे से फिर पीसता नहीं है। तो अगर मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको जो है ऐसे ही पीस के, और जब मैं कुछ इसमें ऐड करूंगा तो मैं आपको फिर जो है बता दूंगा। तो अब आरू पहलवान आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको जो है हम बनाते हैं। आरू चलो पीस के दिखाओ पहले। गाइस अभी हमें सिर्फ ऐसे यहां पर हाथ रख के अब इसमें डलता क्या क्या है इसमें? सबसे पहले बादाम और ग्रीन इलायची सिर्फ 8 और काली मिर्च भी 8 और वाइट काली मिर्च भी डलती है, गोल वाली, ठीक है, और मगज के बीज, खसखस, और आप इधर देख के बताओ, उधर देख के बताओ, और भूल गया सारे। चलो अब फिर करो, तो करते तो रहो, ऐसे बात करोगे तो फिर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेहनत जिसको बनाने में लगती है उतनी ही पावर हमें आ जाती है, तो इसलिए
वीडियो को लाइक करो और अगर आप ये बनाओगे तो आपके पास करोड़ हो तो क्या कुछ भी नहीं आ सकता। अच्छा इसने मेरी वीडियो देख ली थी लास्ट टाइम। चलो अच्छे से पूरा बढ़िया तरह से जो है घोटो, बहुत बढ़िया। चलो अन्नी 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 को घोटने दो, अन्नी आप भी घोटोगे इसको? चलो जल्दी हो जल्दी। तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक पावरफुल ड्रिंक जिसको पी के आप में बहुत पावर आ जाएगी। इसमें आपको करोना तक क्या कुछ भी टच नहीं कर सकता है, इसलिए मैं रोज रोज पीता हूँ। तुम पीते तो हो नहीं, तुम पे आधा गिलास तो पिया नहीं जाते। चलो बहुत बढ़िया, वाह टाइम गाइस। मेरी एक बार बॉडी देखो, अरे वाह बहुत जबरदस्त बॉडी है तेरी तो। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा नजदीक से आकर दिखा दो जो है ना, तो देखिएगा अभी ये किस तरह से जो है बिल्कुल पतला जो है हो चुका है। और अभी इसी तरह से ही इसको हमें तब तक इसको जो है पीसना है जब तक कि और बिल्कुल एकदम पतला जो है ना हो जाए। तो मैं पिछले 15 मिनट से अभी इसको लगातार घोट रहा हूँ और आप देखिएगा अभी ये कितना पतला जो है हो चुका है। देखिए आप कितना पतला ये हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ थोड़ा सा मिल्क जो मैंने लिया हुआ था। अब इसको हमें थोड़ा सा थोड़ा मिल्क इसमें हमें ऐड करते रहना है और ये और ज़्यादा पतला जो है होता चला जाएगा। फिर इसको जो है आपको और जब आप इसको बनाएंगे तो जो इसकी एक महक है, इसकी जो स्मेल है, उसको आप तभी फील कर पाएंगे जब आप इसको बनाएंगे। और अगर आप कोई ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो आप 10 बादाम से शुरू कर सकते हैं। 10 बादाम, 2-3 सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च लेके आप उसको जो है थोड़ा थोड़ा सा लेके भी बना सकते हैं अगर आपको अकेले ही लेना है। और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप 30 से 40 बादाम जो है ले सकते हैं। अभी जब मैं प्रॉपर हमारा भी मुझे इसको कम से कम भी 15 मिनट तक और इसी तरह से इसको घुमाऊँगा और जब एक फाइनल हमारा छानने के लायक जो है हमारा इसको हम कपड़े से छान सकें उस तरह का हमारा जब ये हो जाएगा तो मैं तभी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आप पूरा का पूरा तो कितना इसको देख पाएंगे। ठीक है तो मैं दोबारा जब ही अभी मैं आऊँगा जब हम इसको पूरी तरह से जो है इसको बना लेंगे। ठीक है तो दोस्तों अभी हमारी ड्रिंक जो है वो बिल्कुल फाइनल जो है हो चुकी है और आप इसको देख सकते हैं किस तरह से हमारा बन चुका है बिल्कुल ये। और अब कपड़े में से छनने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और ये मेहनत है लगभग आपकी जो है 1 घंटे की। और साथ के साथ एक एक्सरसाइज भी इससे अच्छी हो जाती है। आप देखेंगे इधर ध्यान देंगे ज़रा तो आप देखेंगे कि मसल्स जो है वो भी आपका बिगर डिप्स के बिगर उसके ही अपने आप ही जो है धीरे धीरे करके बनने लगती हैं। तो इससे आइए तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको छानना, लास्ट जो हमारा प्रोसीजर रह गया है उसको किस तरह से हम इसमें छानेंगे। तो दोस्तों जैसा मैं आपको दिखा रहा था हमारा जो प्रॉपर है मिक्सर वो बिल्कुल बन चुका है और अब इसको हमें छानना है कपड़े में। तो मैंने सूती कपड़ा लिया है, डेली मैं इसी को यूज़ करता हूँ, बाद में धो के अच्छे से जो है बिना साबुन के धोता हूँ। ठीक है इसको नॉर्मली ऐसे ही क्लीन करके रख देता हूँ, पहले भी मैंने इसको जो है आरओके वाटर से क्लीन कर लिया है। अब इसको जो है हमें इसमें छानना है और ये भारी मेरे हिसाब से कम भी आपका 5 से 6 किलो का जो है ये है। और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करता हूं और अपने हाथों को क्लीन कर लीजिएगा क्योंकि ये हाथों से ही अब सारा का सारा आगे का जितना भी प्रोसीजर है वो अपने हैंड से ही जो है होगा। देखिएगा दोस्तों अब जो ये प्योर हमारा जो एकदम मटेरियल निकल रहा है वैसे ही करके अब इसमें जब हमारा लास्ट जो है वो सिर्फ एक तरह से बस इसका जो
फाइबर है, मतलब जो बरूदा टाइप का है वो सिर्फ इससे अब पूरी तरह से अलग हो चुका है ना। जितना भी जो फाइबर था बरूदा टाइप का, नॉर्मली सिंपल उसमें समझाऊं तो, बस वो हमारा बच जाएगा। इसका पूरा जो एक सत्व है, इसका प्रॉपर जो नॉर्मली क्या बोलेंगे उसको, कि जो पूरा मटेरियल जो है अंदर का, ठीक है, पूरा इसका जो है बिल्कुल बाहर आ चुका है। तो इसको ऐसे हाथों से आप इसको जो है प्रेस करके पूरा आपको जो है इसे निकाल देना है। हमें क्या करना है अभी, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध और अब एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट होगा इसका जो है इसको निकालने का पूरी तरह से। बन रहा है धीरे धीरे, इसमें दोबारा एक बार और ऐड करेंगे। यही प्रोसीजर हमें कम से कम भी आपका 3 से 4 बार ऐड करना है, तभी जाके इसका अंदर से पूरा जितना भी जो इसका एक मटेरियल है वो तभी जाके बाहर आएगा और वो अपना पता लग जाएगा। जब हमारा मिल्क जो है बिल्कुल कलर चेंज करना बिल्कुल बंद कर देगा, जब मेहनत का काम तो है ना। बहुत सारे लोग आप में से सोच रहे होंगे कि यार किसके पास इतना टाइम रखा है कि इसको सारे को जो है इस तरह से करेंगे, फिर अपने काम कब करेंगे, तो ये भी एक बात है, निकालें टाइम अपने लिए ज़रूरी है। अभी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वाटर, पानी, और उससे जो इसका बचा हुआ जितना भी है वो सारा का सारा जो है बाहर आ जाएगा। मैंने इसको पानी में से भी निकाल लिया है और अब आप देखिएगा सिर्फ यहाँ पे जो है ये बरूदा टाइप का सिर्फ जो है हमारा बचा है और ये पूरी तरह से इसमें से हर चीज़ जो है निकल चुकी है, सिर्फ बरूदा आपका बचा है। जो हमें चाहिए था वो पूरा हमारे पास आ चुका है। अब इसमें हम बस अपना जितना स्वाद के अनुसार आप, मैं जैसे इसमें देसी खांड डालता हूँ या फिर शक्कर डालता हूँ, तो वो चीज़ आप इसमें अब डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो है देसी शक्कर डाली थी और थोड़ा सा मैंने इसमें खांड, देसी खांड जो होती है वो मैंने डाल दी है और इसको के मुझे सिर्फ इसको छानना है। ये हमारी ड्रिंक पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी ड्रिंक जो 1-1.5 घंटे की मेहनत है वो बन चुकी है और मैं तो इसको ड्रिंक क्या मैं बोलूँगा, अमृत का प्याला है ये, और आप खुद भी पिएं और अपने घर वालों को भी पिलाएं, खासकर जो अगर छोटे बच्चे हैं। मैं जैसे मैंने आपने भी देखा, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, मैं उनको कभी बोल भी देता हूँ कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, गेम्स करा रहा हूँ कि कौन जल्दी पिएगा, उस बहाने से वो जल्दी पी भी जाते हैं और धीरे धीरे करके उनको ये आदत लग जाएगी डेली पीने की। तो अच्छी चीज़ है, लोग पता नहीं क्या क्या पीते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। और अपने लिए भी मैं बताऊं, मैंने आज तक कभी भी किसी भी नशे की चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया और लाइफ लॉन्ग मैं कभी लगाऊंगा भी नहीं। मेरा बचपन से एक शौक रहा है बस दूध पीने का, दूध में अलग अलग चीज़ें मिला के, चाहे वो बहुत अच्छे, चाहे स्ट्रॉबेरी है, कुछ भी मतलब है, लेकिन दूध के अलावा मैंने कभी किसी चीज़ को टच नहीं किया है, क्योंकि शायद ये संस्कार थे जो बचपन से दिए गए थे और यही चीज़ें मैं अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जब वो दूध से और नेचुरल चीज़ों से उतना प्यार करने लगेंगे तो नशे की सारी चीज़ों को तो दूर दूर तक वो जाएंगे ही नहीं। तो आप भी खुद भी पिए, बहुत अच्छे इम्यूनिटी के लिए है, और सभी को पिलाएं और खासकर कोरोना जो भी चल रहा है उससे आप बच के रहें। सो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो अन्यारू आपका दूध ये बिल्कुल बादाम वाला जो है दिखाओ एक बार, बन के तैयार हो चुका है। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसे जल्दी से देख लेना। हाँ, जब भी आपको पता चलेगा कैसे ये वाला दूध, हाँ सबको पता है कैसे बनाए। अब देखो दोनों के, दोनों अन्यारू कंपटीशन करेंगे कौन पहले पिएगा। चलो भाई करो स्टार्ट, करो, देखते हैं कौन सा बच्चा जो है ये पहले इसको पीता है बादाम दूध को। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आराम आराम से पियो, आराम आराम से, आराम आराम से। और ये बहुत ही जबरदस्त दूध है, ताकत के लिए एकदम बहुत। अरे वाह, ये बात। आरू कैसा लगा आपको इस दूध को पी के? अच्छा।
बढ़िया मजेदार, ताकत फील हो रही है अंदर। अब देखिएगा अन्नी, अन्नी भी अपने दूध को पूरी तरह से खत्म करते हुए जबरदस्त ताकत के साथ, ये दोनों की ताकत का राज है, अन्नी आरू की ताकत का राज। आराम से आराम से पियो, आराम से, जब तक आरू इसके फायदे बताएंगे।